गर्दन नीचे झुक गई, गर्दन भी महाराज। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, कामना है अवश्य पूर्ण करेंगे। करदम जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, विवाह बंधन में मुझे नहीं बंधना है, विवाह होगा फिर गृहस्थी का महाराज आकार बढ़ेगा, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना। भगवान ने कहा कि भैया तुम क्या कह रहे हैं, हम तो तुम्हारी शादी की बात ही पक्की करके आए हैं और आप अब मना कर दोगे तो हमारी बात का भाई सवाल है, तो क्या करें कि देखो यहां के बहुत बड़े राजा हैं, स्वयंभू मनु महाराज, उनकी तीन पुत्रियां हैं आकूति देवहूति प्रसूति, और बीच वाली लड़की जो देवहूति है उसके साथ हम आपका विवाह संबंध पक्का करके आए हैं और आप मना कर रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। करदम जी ने कहा प्रभु जब आप ही तय करके आए हो तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला, आपकी बात गिरेगी नहीं महाराज। तो सुनो परसों आएंगे, मना मत कर देना। करदम जी ने कहा जब आप इतना जोर दे रहे हो तुम्हारा एक शर्त मेरी भी है, क्या? विवाह तो करूंगा लेकिन स्वयं आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा, अगर इस शर्त पर आप मंजूर है तो मैं विवाह की मंजूरी देता हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तेरे घर में पुत्र बनकर के आऊंगा। भगवान से वचन लिया करदम जी महाराज ने। सज्जनों भगवान अंतर ध्यान हो गए, समय आया मनु महाराज अपनी पत्नी सतरूपा के साथ बीच वाली पुत्री कन्या देवहूति के साथ पधारे हैं और आकर के वहां पर बैठे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की कामना के लिए मुझे नाना प्रकार के रूप धारण करने पड़ते हैं। आज जैसे ही वहां पर आए देवहूति की दृष्टि पड़ी करदम जी महाराज की, कितना सुंदर हमारे जो पति होने वाले हैं भगवान के परम भक्त, हजार वर्ष तक महाराज तपस्या की, सारा शरीर झुर्रियों में बदल गया, बड़ी बड़ी जटाएं जिनके सिर पर केश बड़े बड़े हुए हैं। नियम के अनुसार वहां पर देवहूति महारानी का विवाह करदम जी के साथ हुआ और देवहूति अपने पति की सेवा में लगी हुई है। माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा जी अपने राज्य की ओर चले गए पुत्री को देख करके। सज्जनों ऐसे संत हैं करदम जी महाराज जिनकी एक कुटिया है और उस कुटिया में उनको ले गए, क्योंकि पाणि ग्रहण, पाणि माने हाथ को पकड़ करके ग्रहण करके जब अंदर प्रवेश किया, गृह प्रवेश किया उस कुटिया में, तो जैसे ही देवहूति मैया ने देखा तो ऊपर की ओर दृष्टि डाली, ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो उस छपड़े में महाराज नाना प्रकार के पक्षियों के घोंसले लटक रहे थे, नाना प्रकार के। देवहूति महारानी कह रही है स्वामी जी ये क्या? करदम जी ने कहा कि देखो देवी, ये जितने भी घोंसले हैं जिनमें रहने वाले पक्षी इस कुटिया को अपना ही घर समझते हैं और मुझे इनकी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है महाराज, जैसे ही नीचे की ओर दृष्टि डाली तो नाना प्रकार के छिद्र हो रहे हैं जिसमें चूहे मेंढक सर्प और बिलों का महाराज पार ही नहीं है। तो स्वामी जी ये कौन कि ये भी अपना घर समझते? अरे प्रभु जब ऊपर पक्षी नीचे चूहे मेंढक सर्प आप, फिर आप कहां रहते हो? देवी देखो एक कोने में वो दो बाई दो का आसन डला है ना, बस वहां पर हम बैठते हैं और भगवान के भजन में लीन रहते हैं। लेकिन सुनो देवी, अगर अब आप आ गई हो, क्योंकि ग्रहणीम ग्रहम उच्यते, ग्रहणी को ही घर कहा है, घर को घर नहीं कहा है, उस घर में पत्नी नहीं है बच्चे नहीं है वो घर नहीं है, क्योंकि देखभाल तो वही कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा इस घर को सजाओ, कुटिया को संभालो, झाड़ू गुहारी क्या करना है वो अब आपका काम है, और अब हम तो भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा ने परीक्षित ध्यान से देखो, सावधान होकर की कथा सुनो, जब वो अपने आसन पर बैठे हैं तो भगवान में इनका मन लग गया। 40 वर्ष व्यतीत हो गए, 40 बसंत व्यतीत हो गए महाराज, और 40 वर्ष बाद जो नव यौवना देवहूति थी वो 40 वर्ष के बाद कैसी होंगी सज्जनों आप जानते हो, सारा शरीर बुढ़ाते की ओर बढ़ गया, काले बाल सफेद तो हो गए, लेकिन उनका नियम था रोजाना का
जब इनके पति देव समाधिस्थ हो गए तो गीला कपड़ा लेकर के उनके शरीर को पहुंचती हूं। स्वयं कंद मूल फल पत्ते खाकर के जीवन यापन करती, भगवान का भजन करती। और जब 40 वर्ष बाद समाधि खुली तो करदम जी ने देखा कि एक बुढ़िया सामने बैठी है, और सामने देखा कि देवी आप कौन। देवहूति ने विचार किया, ओ हो ये तो हमें ही भूल गए। अरे देवी आपका परिचय, आप कौन, कहां से आई। स्वामी जी याद करो, आज से 40 वर्ष पूर्व यहां के जो राजा हैं मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए कि हाँ कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं वही हूं आपकी पत्नी। अरे देवी 40 वर्ष व्यतीत हो गए, यदि आप चाहती तो अपने पिता के घर चली जाती, आप यहां पर क्यों नहीं। सज्जनों देवहूति मैया ने कितना सुंदर जवाब दिया, स्वामी आपने कहा अच्छी बात है पिता के घर चली जाती, लेकिन जो माता पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं तो पति का ही घर पत्नी के लिए सर्वस्व हो जाता है, और वो पति की बिना आज्ञा से मैं कैसे चली जाती। सज्जनों इतना सुंदर जवाब सुनकर के और करदम महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ऐसी सेवा से प्रसन्न हुए कि स्वयं करदम महाराज कहने लगे, तुष्टो हम अद्य तव मान विमान नाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामय मतीं हृदयो नावेशित समुचित चयितुं मदर्थे। तुष्टो मद्य तव मान विमान दाया, देवी तुष्टो माने मैं प्रसन्न हूं आपकी सेवा से, आपने इतनी सेवा की मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि जिसने पत्ती फल फूल जो मिल गया उसको खाने के बाद मेरी सेवा की, आज समझ गए क्या चाहती हो। यहां पर देवहूति मैया ने उनसे कहा कि देखो आपने जब मेरे पिताजी से साथ और विवाह हो रहा था तुमने एक शर्त रखी थी, क्या, कि मेरे घर में एक पुत्र होते ही मैं इस गृहस्थी से त्याग पत्र दे दूंगा, संन्यास धारण कर लूंगा, तो अभी पुत्र तो है नहीं। समझ गए करदम जी और देवहूति का हाथ पकड़ा। जो बिंदु सरोवर है सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर है, उस बिंदु सरोवर में देवहूति मैया